आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है, जांच कीजिए कि x माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस एक बराबर दो एक्स माइनस तीन एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले बताना होगा कि द्विघात समीकरण कब होती है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब हमें जो दिया है एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस एक बराबर दो एक्स माइनस तीन, इसे क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या होता है, ए शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी कुछ शून्य भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बी और सी को हम कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पर अब x माइनस दो का स्क्वायर जो वर्ग है वो खोलेंगे तो ये होगा a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस चार एक्स दो बी दो ए बी प्लस एक बराबर दो एक्स माइनस तीन। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे बाई तरफ, माइनस चार एक्स प्लस पाँच तो इधर का, अब माइनस दो एक्स प्लस तीन बराबर कितना होगा शून्य। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स प्लस पाँच और तीन आठ बराबर शून्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इनकी तुलना करें तो a बराबर एक है, b बराबर माइनस छः है और c बराबर आठ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी क्या दिख रही है, एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा था, जांच करनी थी, हम बोलेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।